अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, जिंदाबाद लिल्ला जांबाज में आप सबको खुश आमदीद। इस वक्त हम मौजूद हैं टोबा तहसील पिंड दादरहान ज़िला जेहलम में। आज की वीडियो में हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं फूड कैफ़े टोबा की, और यहाँ के आनर हैं जनाब खुरम शहजाद साहब। टोबा में पहले आपको लोकेशन बता देता हूँ, मेन रोड पर ये मौजूद है लिल्ला इंटरचेंज के बिल्कुल करीब, तकरीबन हाफ किलोमीटर के फासले पर ये मौजूद है, 500 गज के फासले पर मौजूद है फूड कैफ़े, बहुत ही बेहतरीन के पास फास्ट फूड होता है। अभी आपको मुकम्मल अंदर दिखाते हैं, चलें जी। सबसे पहले आपको अंदर दिखाते हैं, ये इनका बहुत ही बेहतरीन इन्वायरमेंट है। खुरम भाई क्या हाल है, ठीक है? जी सर। अच्छा पहले बताइए, ये आपको फूड कैफ़े बनाने का ख्याल कैसे आया, हो ये कब बनाया आपने? ये उस्मान भाई सर, हम इस फील्ड में 7 से 8 साल काम करके आए हैं। काफ़ी जगहों पर मैंने काम किया है, सियालमोड़ में मैंने काम किया है, डेरम में काम किया है, सियालमोड़ में काम किया और कलरकार में काम किया है। ठीक है। मेरे बड़े भाई हैं सुल्तान अहमद और अयाज साहब, तो हम तीनों ने मतलब ये वहाँ पर ही काम करते, एक दिन सोचा कि अपना होना चाहिए, अपने इलाके को एडवर्टाइज़ करना चाहिए। तो एक दिन हम बैठे थे तो हमने बस ख्याल आया कि अपना बनाना चाहिए, अपने इलाके लोगों को अच्छी चीज़। अच्छा जी, अभी देखते हैं। अच्छा खुरम भाई बताएँ, आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? सर पहले लोग जाते थे बेरम में जाते थे, KFC पे जाते थे, सियालमोड़ जाते थे या किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे जाते थे, लेकिन वो जितने मतलब जो अच्छी चीज़ें होती वो सारी अवेलेबल हमारे पास हैं। पिज़्ज़े के 8 से 12 फ्लेवर हमारे पास मौजूद हैं, ऑल बर्गर की क्वालिटी हमारे पास मौजूद है, शॉर्मा के 3-4 फ्लेवर हमारे पास हैं, फ्राइज हर किस्म की हमारे पास अवेलेबल है, और किड्स मील्स हैं हमारे पास, और जितनी भी ऑल डिस्काउंटेड डील्स हैं हमारे पास। तो जो लोग अफोर्डेबल नहीं है उनके लिए भी जो सबसे सस्ते पीसेज हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो जो सबसे हमारा जो मोटो है क्वालिटी, और क्वांटिटी में हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं आता उस्मान सर। कोई भी बंदा कहे कि मैं फास्ट फूड का बानी हूँ या बना सकता हूँ, या वो हमें चैलेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आए खाए पिए बैठे और हमें कमेंट्स करें। अच्छा नाज़रीन, अभी ये दो कस्टमर हैं, इनसे थोड़ा सा इजाज़त तलब करके इनसे छोटी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। अच्छा भाई, कहाँ से आप आए हैं, इस फूड कैफ़े में कब से आ रहे हैं, और ये आप इनकी चीज़ें आपको कैसी लगती है? हमारा तल्लुक पिंड दादर खान से, तो हम तकरीबन पिछले एक माह से हम गुजरते हुए एक चक्कर हमारा लगा है, तो यहाँ पे हमने ट्राई किया है। तकरीबन पिछले एक माह में हम लोग 4 से 5 दफ़ा आ चुके हैं। ठीक है। माशाल्लाह इनका टेस्ट, क्वालिटी और इवन के प्राइस वाइज भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड इनके प्राइजेज हैं, इवन के टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इसीलिए हम लोग परमानेंट रूटीन से वीकली कुछ टाइम बाद इनको भी चक्कर लगाते हैं। बहुत शुक्रिया जी भाई, आप कुछ कहेंगे? हाँ जी, इनका टेस्ट सबसे बेहतर लगा है, इसलिए हम आ रहे हैं इनके पास। इनकी सर्विसेज कैसी लगी आपको? सर्विस अच्छी है। बहुत शुक्रिया। चल नाज़रीन, हम अभी आपको थोड़ा सा बताते चलते हैं। अच्छा कोल्ड ड्रिंक्स भी मौजूद हैं सारे हर किस्म की। अच्छा उस्मान साहब, ये फैमिली का सिस्टम है यहाँ पे, ये प्रॉपर बना देंगे, यहाँ पे पर्दा लगा देंगे, तो ये फैमिली के लिए ये देखिए कि LED लगाई है हमने छोटी, ये AC लगाया हुआ ऊपर, अच्छी इन्वायरमेंट दे रहे हैं। ये बड़ी LED हॉल में लगी हुई है, ये काउंटर के ऊपर देख सकते हैं आप। अच्छा होम डिलीवरी की सहूलत मौजूद है? होम डिलीवरी की सहूलत मौजूद है आपके? जी सारे अपने इलाके में भी डिलीवरी कर रहे हैं, इसके बाद हम लल्ला सरोबा और अथर में डिलीवरी कर रहे हैं, तो हमारे कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 1000 या उससे कम, मिनिमम यानी कि 1000 रुपये या उससे ज़्यादा का कह नहीं था, तक आर्डर हम फ्री होम डिलीवरी करते हैं। अच्छा नाजिर काम, ये आपको इन्वायरमेंट दिखा दिया, बहुत ही ज़बरदस्त है, रेट्स बेहतरीन है। खुरम भाई अपना मोबाइल नंबर बोल दें, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा आप मोबाइल नंबर आपका, एक मरतबा हमारे व्यूअर्स को अपना मोबाइल नंबर बोल दें, उसके बाद नाजिर काम आपको किचन दिखाते हैं। जी सर, हमारे दो नंबर है, मेरा दूसरा भाई है उसका नंबर है 0306-33-14-507, ये उनका नंबर है, सुल्तान महमूद उनका नाम है, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0335-15-48-869, मेरा नाम खुरम शहजाद है, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड करेंगे, एक अच्छी क्वालिटी और क्वान्टिटी में हमारा कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है, डिलीवरी बॉक्स हमारे पास मौजूद है, उसमें आपके जो भी ऑर्डर होगा वो बिल्कुल सेफली आपके पास पहुँच जाएगा। अच्छा नाज़रीन का, हम अभी आपको किचन दिखा देते हैं और चेक कराते हैं कि किचन कैसा है इनका, क्योंकि असल किसी भी फास्ट फूड का दारोमदार, किसी होटल का दारोमदार उसके किचन पर होता है। अभी किचन आपको दिखाते हैं, वहाँ पे जो शेफ़ होंगे उनसे भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे इनके कैसी तैयारी करते हैं फूड्स की। जी अभी किचन में हम आ चुके हैं। अच्छा ये शेफ़ आपके सर, हमारे शेफ साहब हैं, इनका 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है,
के एफ सी में पिज़्ज़ा हट पे फ्राई चिक्स पे ये काम करके आए हैं। ठीक है, मुबशर भाई हैं मंडी बाबरदीन से, इनका तलक है। अच्छा मुबशर भाई, आप कौन कौन सा फ्लेवर बना लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ बना लेते हैं? सर हमारे पास मेन्यू में चिकन टिक्का है, चिकन फजीता है, हॉट एंड स्पाइसी फूड कैफे स्पेशल कबाब क्रस्ट, उसके बाद चीज़ क्रस्ट होता है, उसके अलावा मलाई बोटी पिज़्ज़ा होता है, फोर सीजन पिज़्ज़ा होता है, हवामे पिज़्ज़ा होता है, पिज़्ज़े के यही हैं। और इसके अलावा हमारे मेन्यू पे लिखा हुआ है, इसके अलावा बर्गर्स में काफ़ी वराइटीज़ हैं, जैसे जिंगर माइटी, हमने डबल जिंगर का उसे नाम दिया हुआ है, यहाँ पे डबल डेकर बर्गर है, उसके अलावा जिंगर बर्गर है, उसके अलावा चपली कबाब बर्गर है, उसके अलावा सीख कबाब बर्गर है, ऐसे और काफ़ी बर्गर्स हैं, अभी ग्रिल्ड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी भी नाजिन काम यहाँ पे तैयारी हो रही है, यहाँ पे अमूमन कस्टमर आते रहते हैं और अभी आपसे इजाज़त तलब करते हैं और आपको एक कहते हैं कि एक मरतबा इस फूड कैफ़े पे ज़रूर आइए। लिल्ला इंटरचेंज के बिल्कुल साथ है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।